पीतल का तवा, लोहे का तवा, नॉनस्टिक और मिट्टी। लेकिन इनमें से कौन से तवे से क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं, इसको आज की वीडियो में हम जानेंगे। क्योंकि हमारी सुबह की शुरुआत जब नाश्ते से करते हैं तो तवे का इस्तेमाल करती है हर महिलाएँ, तो अगर तवा ही हमें नुकसान पहुँचाएगा तो हम जो कितना भी पौष्टिक खाना बना लें वो पौष्टिक खाना हमें फ़ायदा नहीं पहुँचा सकता। उसके जो कुछ होते हैं न्यूट्रेंट्स वो मर जाते हैं। कैसे हम जानते हैं? सबसे पहले हम जानते हैं नॉनस्टिक तवे के बारे में। नॉनस्टिक तवा जो आजकल बहुत अधिक प्रचलन में है, लेकिन हम ये सोचते हैं कि नॉनस्टिक तवे का प्रयोग इसलिए करना चाहिए क्योंकि ये एडवर्टाइजमेंट में भी ये बताया जाता है कि इसमें कम से कम ऑयल में खाना बन जाता है, इसके ऊपर खाना बनाया हुआ चिपकता नहीं है और समय भी कम लेता है। तो आजकल हर किसी को जल्दी होती है, ऑफिस में जॉब करती है महिलाएँ, वो सोचते हैं नॉनस्टिक तवे का हम प्रयोग करके समय बचा सकते हैं और साथ ही ऑयल, क्योंकि आजकल ऑयल सबके लिए अनहेल्दी होता जा रहा है। लेकिन मैं बता दूं कि नॉनस्टिक तवे से आपको कई प्रकार की बीमारियां होती है। सबसे पहले देखिए, हम जिस मेटल पर हम खाना बनाते हैं तो वो मेटल सूक्ष्म मात्रा में हमारे शरीर के अंदर मिलता है, बहुत ही न्यूट्रिएंट्स कम मात्रा में। लेकिन इसकी जो कोटिंग है, ये देखिए आप जगह जगह से इसमें हल्का हल्का सा वाइट वाइट दिखाई दे रहा है इस प्रकार से, तो इसकी जो कोटिंग है वो कोटिंग इसकी उतरने लग जाती है। जैसे इसका इस्तेमाल हम करते हैं, कोटिंग इसकी उतरती है। इसके नीचे एल्युमिनियम का कोटिंग है, एल्युमिनियम का मतलब मेन तवा है और कोटिंग इसके ऊपर ब्लैक कलर की है। ये कोटिंग हम जब रोटी बनाएंगे इसके बाद चपाती सेकेंगे तो कोटिंग हमारे शरीर के अंदर भी जाएगी, क्योंकि जो भी हम इस पर सामान रखेंगे उसके अंदर इस कोटिंग की सूक्ष्म मात्रा मिल जाएगी और हमारी पेट में जाएगी। जिससे नुकसान क्या होता है, इससे सबसे ज़्यादा नुकसान तो महिलाओं को ही होता है। उनके अंदर बांझपन की जो बीमारी है वो आ जाती है। इससे किडनी के रोग होते हैं, इससे हार्ट के रोग होते हैं और आपका डाइजेशन भी पुअर हो जाता है। आप जो खाना खाते हैं आपके हजम नहीं होते। तो ये आपका नॉनस्टिक तवा है, इसलिए हमें इसका प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हम इस तवे को, हमें रसोई में ये होना ही नहीं चाहिए। उसके पश्चात हम चर्चा करते हैं हमारे पीतल के तवे के ऊपर। पीतल का जो तवा है हमारा, ये पीतल का बना हुआ होता है। ये तवा सब जगह उपलब्ध नहीं है, लेकिन हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि इसके अंदर ये पीतल से बना हुआ है, तो जो पीतल की मात्रा है वो हमारी रोटी के अंदर जाएगी और हमें उस चीज़ का हमें फ़ायदा मिलेगा। इसी प्रकार से अब ये लोहे का तवा है। लोहे के तवे के अंतर्गत ये आयरन से बना हुआ है। हम देखते हैं कि महिलाओं में सबसे ज़्यादा आयरन की कमी होती है, उनसे उनको एनीमिया हो जाता है। अब लोग ये सोचते हैं कि इसमें बनाने से हमें देर लगेगी, हमारे चिल्ले इत्यादि नहीं बनेंगे, तो मैं बताती हूँ इसमें कितने आसानी से बनता है। इसका तरीका ये है कि आप इसके ऊपर पहले ऑयल को लगाएँ। ऑयल लगाने के पश्चात आप एक आलू लें, कच्चा आलू। कच्चे आलू को इस प्रकार से काट लें और इसको इस प्रकार से फोक में फंसा लें। इस प्रकार से हमने इसको फोक में फंसा लिया है। इसके पश्चात हम पानी लेंगे और पानी लेने के पश्चात इसको हम इस प्रकार से घुमा लेंगे। अब तवा हमारा नॉनस्टिक की तरह ही बन गया है ये वाला। और हम कुछ भी चिल्ला इत्यादि कुछ भी बनाते हैं उत्तपम वगैरह, तो उसका जो हमारा घोल है ये मैंने एक घंटे पहले भिगो दिया था बेसन के चिल्ले के लिए। अब इसको हम इसके ऊपर डालेंगे इस प्रकार से और इसको हम इस प्रकार से फैला देंगे। अब हमने इस प्रकार से इसमें ऑयल डाला है, ये ऑयल डालने से चिकना हो जाएगा ये और ये चिपकेगा नहीं। अब हम पलटे का इस्तेमाल करेंगे। इसको देखिए, हम धीरे धीरे ऐसे निकालना शुरू कर रहे हैं, बड़े आसानी से निकल रहा है, कहीं से भी ये चिल्ला जो है हमारा चिपक नहीं रहा है। हम इसको इस प्रकार से आराम से पलट देंगे। पलटने के पश्चात हमने फिर से इसके ऊपर ऑयल लगाया। इस प्रकार से हमारे लोहे का तवा है नॉनस्टिक तवे में चेंज हो गया। तो किससे? आलू के इस्तेमाल से, तेल के इस्तेमाल से, और उसको हम जो भी बनाएंगे घोल उसको हम एक घंटा पहले भिगो दें। इस प्रकार से हमने लोहे के तवे का इस्तेमाल सीखा। अब हम मिट्टी के तवे का इस्तेमाल सीखेंगे। मिट्टी जो है, मिट्टी के तवे के अंदर का 16 न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो कि मिट्टी में क्या क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन भी होती है। उसी प्रकार से मिट्टी के अंतर्गत जिंक होता है, इसमें कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, पोटेशियम होता है। इन तत्वों की हमारी बॉडी को आवश्यकता होती है। जब हम इन तत्वों का उपयोग करते हैं, जैसे ये मिट्टी है, इसके अंदर ये तत्व हैं, हमने रोटी इस पर बनाई तो बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में जो तत्व है रोटी के अंदर भी आ जाते हैं। तो हम देखते हैं कि पहले हमारी जो दादी नानी थी, उन्होंने कभी मल्टीविटामिन गोलियाँ उन्होंने कभी भी नहीं खाई, क्योंकि मल्टीविटामिन हमें इस प्रकार से मिट्टी के तवे से, लोहे के तवे से, पीतल के तवे से अपने आप ही मिल जाते थे। तो हमें मल्टीविटामिन दवाइयाँ खाने की आवश्यकता होती ही नहीं थी। तो इस प्रकार से हमें फ़ायदे तवे के प्रयोग करने से मिल जाते हैं। हम जिस धातु का प्रयोग करेंगे वही धातु हमारे शरीर के अंदर मिलती जाती है और वो हमें फ़ायदा करती है अगर अच्छी धातुएँ होगी। नॉनस्टिक की जो धातुएँ हैं वो हमारे शरीर को नुकसान करने वाली है,
इसलिए नॉनस्टिक का हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सबसे अगर हम बेस्ट तवे की बात करें चारों तवे में, सबसे जो बेस्ट हमारा तवा है वो हमारा मिट्टी का ही तवा है। इस प्रकार से हम चारों तवे का, हमें इनमें से पीतल का, लोहे का और हमें मिट्टी के तवे का इस्तेमाल करना चाहिए, जो हमारी सेहत के लिए लाभदायक भी है, हमारे शरीर को फ़ायदा पहुँचाएंगे और हमें रोगों से भी मुक्ति दिलाएंगे। इस प्रकार से हमने आज चारों तवे के बारे में जाना। मेरा नाम अनीता गुप्ता है, मैं होलिस्टिक हीलर हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।